आते तो उस ड्राइवर ने सड़क पे मेरे से पहले ओवरटेक किया, उसने मेरी साइड मारी। ठीक है, इम्बैलेंस होगी बाइक में, इम्बैलेंस करके उसको गांव के बस स्टैंड पे रोक लिया। उससे बात की, मतलब भाई तू पीछे क्या करके आया, तो वो बोलता क्या कर दिया, मतलब तो यार मार के आ जाता तो बोलो मर जाता तो मर जाता, क्या दिक्कत है। उसके बाद फिर मैंने उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली, तो उस टाइम मेरे को पता चला कि हाँ ये इंसान ड्रंक है। मैंने उनके स्कूल अथॉरिटी से बात करने की कही, उसने बात नहीं करवाई। फिर मैंने खुद फोन किया तो उन्होंने बोला ठीक है सर हम 10 मिनट में बताते हैं। मैंने उनको सब बताया कि ऐसे ऐसे ड्रंक है भाई ये, इसको संभालो। उसके बाद मैंने कॉल किया था तो उन्होंने 10 मिनट का टाइम लिया, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। फिर बाद में मेरे को गाँव में जाते टाइम पता चला कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया। फिर मैंने दोबारा कॉल करके उनसे बोला कि आप, मैंने आपको बताया उसके बाद आप चेताए नहीं और आज ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये दुर्घटना होगी इतनी बड़ी, इसके जिम्मेदार आप हो और कोई नहीं है। अगर मैं बताने के बाद भी अगर कोई गलती करता है तो वो इंसान जानबूझ के ही गलती करता है। आपने कहाँ कब रोका बस को, कितने बजे का समय था, कितने लोग थे? मैंने सुबह 8 बजे रोका था बापू खेड़ी के बस स्टैंड पे। उस टाइम उस बस में 5 बंदे थे, ड्राइवर साथ, 4 जो अन्य थे वो भी दारू में धुत थे, नशे में, और जो ड्राइवर था वो भी दारू के नशे में था। लगभग कितनी देर तक बस रोकी गई और क्या आपने स्कूल प्रबंधन को जानकारी? यहाँ कम से कम बस रुकी है 10 से 15 मिनट बस रुकी रही। मैंने रोकी थी 4-5 मिनट, उसके बाद मैं चला गया था, उसके बाद भी 10-15 मिनट यहीं बस रुकी रही है, फिर उसके बाद बस गई है। तो उसके बाद स्कूल प्रबंधन से क्या बात हुई आपकी? मेरी स्कूल में जो भी स्टाफ थे उससे बात हुई, मैंने उनको बताया कि ये बात है, तो उन्होंने यही कह के बोल दिया कि ठीक है हम 10 मिनट में जो भी बात है हम